दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे वायरल वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये वायरल वीडियोस काफी मजेदार हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों केवल हमारे ही दोस्त कमीने नहीं होते हैं, बल्कि जानवरों के दोस्त भी कमीने होते हैं। अब जैसे कि इस बंदर को ही देख लो, यहाँ ये बंदर बड़े ही आराम से झूला झूल रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके दोस्त को मस्ती सूझती है और फिर वो कुछ ऐसा करता है। यहाँ ये मोहतरमा इस डॉगी को लगातार परेशान कर रही थी, जिसके बाद इस डॉगी को गुस्सा आ जाता है और फिर ये इनके ऊपर मिट्टी फेंकना शुरू कर देता है। इसके बाद तो ये मोहतरमा किसी भी कुत्ते से कभी पंगा नहीं लेंगी। ओ, काले मुख का बंदर बहुत उछल कूद कर रहा है, ठहर, मैं तेरा थोबड़ा फोड़ती हूं अभी। किधर है, किधर है? यहाँ ये दोनों कुत्ते अंदर वाले कुत्ते पे लगातार भौंक रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये इन्हें खा ही जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये छोटा सा पिल्ला इनके पास आता है तो ये दोनों यहाँ से कट लेते हैं। अरे दो कप छोड़ा, उसके पैसे दे। ये क्या कर लेगा? नहीं 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 देंगे हम। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। यहाँ टीवी में ये लड़का खाना खा रहा था, तभी थोड़ी देर के बाद ये अपना हाथ नीचे करता है, जिसे देखकर इस कुत्ते को ऐसा लगता है कि ये लड़का उसे खाना दे रहा है और फिर ये कुत्ता खाना खाने के लिए टीवी में मुंह लगाता है, लेकिन इस बेचारे कुत्ते के साथ तो प्रैंक हो जाता है। दोस्तों कुछ लोग शादी में मस्ती करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग केवल खाना खाने के लिए। ऐसे ही ये सभी मोहतरमाएं शादी में खाना खाने के लिए जा रही थी, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा पानी लगा है, पर इसके बावजूद भी ये नहीं रुकती हैं और खाना खाने लगती हैं। दोस्तों हमारे भारत में लोग ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाते हैं जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। अब जैसे कि इस जुगाड़ को ही देख लो, ये जुगाड़ आपको बहुत पसंद आएगा और ऐसा जुगाड़ लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों आजकल कॉलेज और स्कूल में नाच गाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब जैसे कि इस लड़के को ही देख लीजिए, इस लड़के के डांस को देखकर मुझे कच्चा बादाम याद आ गया। भाई इसने तो अंजलि और अरोड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों कुछ लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में होते हैं। अब जैसे कि इन भाई साहब को देख लो, ये भाई साहब पेट्रोल भरवाने के बाद पाइप निकालना भूल जाते हैं और अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों कुछ लोग गाड़ियां तब तक चलाते हैं जब तक कि गाड़ी अपनी आखिरी सांस ना ले ले। अब जैसे कि ये भाई साहब, इस गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी अपनी आखिरी सांस ले रही है, लेकिन उसके बाद भी इसके मालिक ने इसे नहीं छोड़ा। दोस्तों हो सकता है कि आपकी टक्कर कभी ना कभी पापा की परियों से जरूर हुई हो। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो आप ये समझ लेना कि गलती आपकी ही होगी, क्योंकि इन परियों को फर्क नहीं पड़ता कि गलती उनकी है या फिर आपकी। परियां तो ये सोचती हैं कि उन्हीं की स्कूटी है और उन्हीं की मर्जी, चाहे वो लेफ्ट मुड़े या फिर राइट। गाड़ी मेरी है मैडम, मैं राइट मुड़ू चल लेती हूं। एक बात बता रहा हूं मैडम, मैंने ब्रेक मार दिया, नहीं तो आप चक्के के नीचे। तो देखा आपने, मेरी गाड़ी है, मैं राइट मुड़ू या फिर लेफ्ट, इनके सामने चाहे जितना भी बोल लो, गलती लड़कों की ही निकलेगी। अब भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पापा की परी ने इस स्कूटी को यहाँ कैसे पहुँचा दिया। और इस पापा की परी ने तो हद ही पार कर दी, इसने इतनी बड़ी कार को पेड़ पे ही अटका दिया। भाई परियां चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती हैं। अब भाई इन मोहतरमा को देख लो, ये मोहतरमा छतरी लगाकर साइकिल से जा रही थी, लेकिन इनके सामने इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी थी, पर इन मोहतरमा को ये इतनी बड़ी गाड़ी नजर ही नहीं आई और फिर सीधा इस गाड़ी में जाकर भेड़ दिया। दोस्तों कुछ लोग शराब पीने के बाद होश में ही नहीं रहते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे कि इन जनाब को ही देख लीजिए, ये भाई साहब शराब पीने के बाद सुपरमैन बन गए। अगर बस ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारा होता तो इनका राम राम सत्य था। इनका एटीट्यूड तो देखो भाई, इनका तो जलवा है चारों ओर। ये भाई साहब तो काम करते करते डांस करना शुरू कर देते हैं और फिर प्लाई टूटती है और ये भाई साहब रुड़क कर नीचे गिर जाते हैं। अब भैया काम के समय डांस करोगे तो ऐसा ही होगा ना। और भाई इस मटके बनाने वाले कुमार को तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए, इसे बनाने वाले को पूरा गांव ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने जन्माष्टमी के दिन ऐसा मटका बना दिया है कि ये मटका किसी से फूट ही नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है कुमार को इस मटके बनाने का पैसा ही नहीं मिला, तभी तो उसने गुस्से में ऐसा मटका बना दिया।
दोस्तों वैसे तो आपने बहुत बड़े बड़े झूले देखे होंगे, लेकिन शायद ही कभी आपने ऐसा झूला देखा हो। देख लीजिए कैसे इन लोगों ने बाइक का झूला बना लिया और लग गए झूला झूलने में। भाई ये टैलेंट देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ इस वीडियो में काजी साहब इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें निकाह कबूल है। इस पर ये लड़का कहता है कि मुझे निकाह कबूल नहीं है। ये बात सुनते ही काजी साहब को गुस्सा आ जाता है और फिर देखिए काजी साहब इसे क्या करने के लिए कहते हैं। तो निकाह कबूल है? हमें निकाह कबूल नहीं है।